खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। छठवीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। कॉप अपेरल्स मुकेरीगंज आजमगढ़, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, बाय वन गेट थ्री फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़, ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए आजमगढ़ से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। वह आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। एटीएस यूपी ने इनका खुलासा करते हुए बताया कि उक्त आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी है, जो कि आजमगढ़ के अमिलो मुबारकपुर का रहने वाला है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के परिवेक्षण में अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार यूपी एटीएस की समस्त टीमों को अलर्ट करते हुए रेडिकल तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी। इसी क्रम में यूपी एटीएस को सहयोग एजेंसी से सूचना प्राप्त हुई कि अमिलो मुबारकपुर जिला आजमगढ़ में एक व्यक्ति अपने साथियों के माध्यम से आईएसआईएस विचारधारा से प्रभावित होकर व्हाट्सएप एवं विभिन्न सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है। आरोपी को पूछताछ के लिए मुख्यालय लाया गया था, जहां पूछताछ एवं मोबाइल डेटा खंगालने पर इसके द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा आतंक एवं जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाए गए टेलीग्राम चैनल असकर मीडिया से जुड़े होने के प्रमाण मिले। वर्तमान समय में आरोपी सबाउद्दीन एआईएमआईएम का सदस्य है। बिलाल नाम के व्यक्ति से फेसबुक पर जुड़ने के बाद बिलाल सलाउद्दीन से जिहाद और कश्मीर में मुजाहिदों पर हो रही कार्रवाई के बारे में बात किया करता था, जिससे आरोपी की बात होने लगी। कश्मीर में मुस्लिमों पर हो रहे तथाकथित जुल्मों का बदला लेने की योजना बनाने के संबंध में मूसा ने आईएसआईएस के अबू बकर अली अल शामी का नंबर दिया, जो वर्तमान में सीरिया में है। अबू बकर अल शामी के संपर्क में आने के उपरांत सबाउद्दीन ने मुजाहिदों पर हो रही कार्रवाई का बदला लेने, आईएसआईएस की तरह भारत में भी इस्लामिक संगठन बनाने तथा आईडी बनाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। शामी ने सबाउद्दीन को आईईडी बनाने की विधि आवश्यक सामग्री बताई तथा सबाउद्दीन का संपर्क आईएसआईएस से रिक्रूटर अबू उमर जो मुर्तानिया का रहने वाले से कराया। अबू उमर द्वारा सोशल मीडिया एप्स के माध्यम से हैंड ग्रेनेड बम आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी तथा मुजाहिदीन संगठन तैयार कर भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने तथा भारत में इस्लामी हुकूमत एवं शरिया कानून लागू करने की योजना पर काम करने लगे। सबाउद्दीन आजमी उर्फ सबाहुद्दीन उर्फ सबाहु उर्फ दिलावर खान उर्फ बैरम खान उर्फ आजर पुत्र जफर आजम महमूदापुरा वार्ड नंबर 9 अमिलो मुबारकपुर थाना मुबारकपुर का निवासी सबाउद्दीन आजमी के संबंध में थाना लखनऊ में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। सबाउद्दीन के बताए गए स्थान से अवैध शस्त्र कारतूस, एक सोल्डरिंग आयरन व एक पीवीसी वायरिंग आधा मीटर के दो टुकड़े लाल व काले रंग में सफेद कलर की लीड, एक एमसीवी वायर कटर, दो टेस्टर पेचकस प्लायर, एक ड्रिल मशीन, मोबाइल प्लास्टिक के डिब्बे में कागज में लिपटे हुए चाइनीज कील व कोका कील बरामद की गई। 9 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा व करो मरो का संकल्प लेकर पूरे देश में जनता और गांव और सड़कों पर निकलकर ऐतिहासिक आंदोलन किया, जिसके बदौलत 15 अगस्त सन 1947 में आजादी मिली। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रथम पंक्ति के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी विचारधारा के डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली आदि नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन किया। मुखबिरी के कारण उन लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। अंग्रेजों ने यातनाएं देकर माफी मांगने की बात की, उन लोगों ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ आरएसएस समर्थित अन्य पार्टियों के नेता माफी मांग कर रिहा हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी देश में गरीबों किसानों पर टैक्स लगाकर शोषण कर रही थी। अंग्रेज देश की संपदा लूटकर अपने देश में ले जा रहे थे, जिसके कारण हमारे देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों में आंदोलन कर देश को आजाद कराया। लेकिन जिन सपनों को लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आज भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर पूंजीपतियों के हाथ में अडानी, अंबानी व अन्य को देश की गिरवी रख दिया है। जनता पर टैक्स का भारी बोझ होने के कारण महंगाई आसमान छू रही है। देश में सन 1942 के आंदोलन से सीख लेकर जन आंदोलन करना ही देश को बर्बादी से बचाया जा सकता है। पार्टी कार्यालय पर विचार गोष्ठी के बाद निवर्तमान विधायक जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, आलमबदी अखिलेश यादव, डॉक्टर एच एन सिंह पटेल, पूर्व एमएलसी राकेश यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, विजय यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम दुलार राजभर, विवेक सिंह, अजीत कुमार राव, सुशील आनंद, निशांत राय, टीपू
शिवमूर्त यादव, अनुराग यादव, अशोक यादव, चंद्रशेखर यादव, शैलेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, हरीश चंद्र यादव, बबिता चौहान सहित सभी सम्मानित नेतागण व कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। आप लोगों को भी मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि 1947 को जब अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि वो हिंदुस्तान की जनता से 50% उस समय कृषि ही एकमात्र साधन था, और 50% उनके पैदावार का अंग्रेज टैक्स के रूप में ले लेते थे। उसी तरह से यहाँ आज हमारे देश में, भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वही कर रही है जो अंग्रेज नहीं करते थे, उससे ज़्यादा कर लेने की बात कर रही है और ले रही है। तो इसलिए 1942 को जो अब गांधी जी ने आंदोलन किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इस तरह से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश है कि पूरे देश में घर घर, गांव गांव, दुकानों पर, बाजारों में, शहरों में ये राष्ट्रीय तिरंगा का सम्मान करते हुए और सबके घरों पर बांधा जाए और सबको बताया जाए कि ये या तो रोजगार दे ये सरकार, या तो गद्दी छोड़ दे, या तो टैक्स समाप्त करे, या तो भाजपा अपनी गद्दी छोड़ दे। इसी को लेकर के ये कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल महापुरुषों को याद करते हुए जुलूस निकाला। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने उन्हें माल्यार्पण कर नमन किया और वहीं से 15 अगस्त तक चलने वाली भारत जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया। कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए आज की पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया। सदर विधानसभा की स्थगित पदयात्रा पुनः 11 अगस्त 2022 पूर्व निर्धारित रास्ते से चलेगी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि अंग्रेज हो भारत छोड़ो नारे के साथ महात्मा गांधी ने करो या मरो जो नारा दिया, उनके आह्वान पर देश के युवा क्रांतिकारियों ने बड़ी संख्या में देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। तमाम आंदोलनकारी शहीद हुए। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल महापुरुषों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर किया। आज हम लोग क्रांति दिवस के अवसर पर पदयात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और पदयात्रा के दौरान आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करने किया जाएगा। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन ज्यों ज्यों नजदीक आता जा रहा है, बाजार में रौनक बढ़ती जा रही है। अपने भैया की कलाई पर सबसे बेहतरीन राखी बांधने के लिए बहनें उसकी तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान का चक्कर लगा रही हैं। लिहाजा बाजार गुलजार हो रहा है। शहर के चौक सहित समस्त बाजारों, चट्टी चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगह पर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रंग बिरंगी राखियों से बाजार सज गए। मंगलवार को बाजार में भारी संख्या में महिलाएं राखियों की खरीदारी करती नजर आई। गौरतलब है कि पिछले 3-4 दिनों से राखियों की बिक्री में तेजी आई। बाजार में राखियों की दुकानें सजी हैं, जहां हर वर्ग के लिए राखियों की वैरायटी उपलब्ध है जो लोगों को लुभा रही है। वैसे ठेला, फुटपाथ व स्थायी दुकानों पर बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार की राखियां सजी हुई है। दुकान में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा कीमत की राखियां बिक रही हैं। सोने चांदी की राखी की भी बिक्री हो रही है। आभूषण विक्रेताओं के यहाँ पर नई नई डिजाइन में सोने चांदी की आकर्षक राखियां बाजार में उपलब्ध है। हालांकि इस बार भद्रा रहित लगन को लेकर सभी भ्रमित हैं कि भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र 11 को बांधा जाए या फिर 12 अगस्त को। राखी की ज्यादा हो रही है, हमें लगता है कि 25-25 से लेकर जितने तक ले लीजिए, 100-150, 200-250 तक। बृहस्पति को कुछ लोग कह रहे, कुछ लोग फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे और सैटरडे। आप लोग भी असमंजस में हैं। हाँ, कब मना रहे हैं आप? अब जब सभी मना लेंगे उसी दिन हम भी मना लेंगे। रक्षाबंधन में खास क्या रहता है? रक्षाबंधन में खास क्या रहता है, मतलब राखी पूर्णिमा का होता है, पूर्णिमा को लोग मनाते हैं। आप भाई को राखी बांधने का इंतजार तो करते ही हैं। क्या खिलाते हैं भाई को? अब भाई मेरा दूर रहता है तो मैं जा नहीं पाती हूँ। हाँ, कोरियर से दे देते हैं। वही राखी विक्रेता पवन गुप्ता ने बताया कि इस बार मोदी राखी तिरंगे में स्पेशल आई हुई है, जो डिमांड में है। भैया राखी तो खास है ही, क्योंकि ये भाई बहन का त्यौहार है और इसको कभी, मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद से कभी खत्म नहीं हो पाएगा ये। और मोदी राखी स्पेशल राखी आई है ये तिरंगे में। भैया 5 रुपए से लेके 450 रुपए तक का है। भैया बिक्री का
हर साल की अपेक्षा थोड़ा डाउन तो है, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है। कारण ये है ना कि कस्टमर जो है कन्फ्यूज़न में आ गया कि दो दिन पड़ जा रहा है, बृहस्पति और शुक्र दोनों, लेकिन उम्मीद है कि भाई बहन का त्यौहार कभी खराब नहीं होना है। जिले में मुहर्रम के तहत यौमे आशुरा के मौके पर मंगलवार को मुस्लिम समुदाय की ओर से शहर में परंपरागत ताजियों का जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर बच्चों व युवाओं द्वारा या हुसैन के गगनभेदी नारों से पूरा शहर गूंज उठा। जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने जमकर अखाड़ा प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान मुस्लिम समाज ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। मुहर्रम पर अजादारों ने सीना जनी कर इमाम हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समूचा जनपद गम में डूबा नजर आया। हर तरफ या हुसैन या अब्बास या सकीना की सदाएं फिजा में गूंज रही थी। लोगों की आंखों में आंसू और जहन में मातम का वो दर्दनाक मंजर साफ नजर आ रहा था। पुरुष, नौजवान, बच्चे व बूढ़े इमाम हुसैन की ताजिये व अलम के बाद ज्यारत कर रहे थे। 10वीं मुहर्रम को ही करबला में ऐसी जंग शुरू हुई थी कि इमाम हुसैन व उनका पूरा कुंबा कुर्बान हो गया था, जिसके चलते मुहर्रम में शिया अकीदतमंद शोक मनाते हैं। मजलिसें होती हैं, मुहर्रम पर अखाड़ों का हैरत अंगेज कारनामा भी हुआ, जिसे देख लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। कोट अखाड़े के उस्ताद सलीम अहमद खान ने बताया कि इस दिन कुल 4 अखाड़े निकलते हैं, जो करबला में एक साथ मिलकर प्रदर्शन करते हैं। ये अखाड़ा बाज बहादुर से निकलता घूमता हुआ करबला का मैदान जाएगा। खेल होता है, बच्चे खेलते हैं, चारों अखाड़े को मुकाबला होता है। मुहर्रम है, ये आपको हसन हुसैन की याद में, हुसैन की याद में ये अखाड़े 4 हैं, कोट, पहाड़पुर, कटरा, जामा मस्जिद। चारों अखाड़े करबले के मैदान में इकट्ठे होते हैं, बच्चे खेलते हैं, वहीं समाप्त कर देते हैं। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर सारथी सेवा संस्थान अश्वनी के नेतृत्व में पूरी टीम के द्वारा हाफिजपुर चौराहे पर स्थित शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर साफ सफाई की गई, और उसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देशभक्ति जयकारों उद्घोष पूरी टीम के द्वारा किया गया। और सभी युवाओं ने संकल्प लिया कि हम सभी युवा सभी महापुरुषों और शहीदों के बताए हुए रास्ते पर चलकर राष्ट्र समाज हित में कार्य किया जाएगा। विनीत सिंह ऋषु ने कहा कि अगस्त क्रांति दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। यह आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र बनाने के अपने वादे पूरे नहीं किए थे। अंग्रेजों ने कहा था कि वो 8 अगस्त 1942 को भारत को स्वतंत्रता देंगे, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो भारत को स्वतंत्रता नहीं देंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने पूरे देश में अगस्त क्रांति आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। इस आंदोलन को भारत छोड़ो नाम दिया गया था। साथ ही इस आंदोलन की घोषणा के रूप में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ऋषभ पांडे और रमेश सिंह ने कहा कि सारथी सेवा संस्थान अपनी स्थापना समय से ही कुछ अलग और समाज और राष्ट्रहित में कार्य करता रहा है। संगठन का विशेष ये है कि हम लोग अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर कार्य करते हैं। आज कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है कि युवाओं में शहीदों और महापुरुषों के प्रति प्रेम बढ़े और उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर ऐसे आयोजन हर गाँव घर में होते रहे। इस कार्यक्रम में विनीत सिंह ऋषु, अश्वनी सिंह, विनय सिंह, ऋषभ पांडे, आशुतोष पाठक, रमेश सिंह, अजीत सिंह, संजय उपाध्याय, युवराज चौहान, नवीन चौहान, अंकित चौहान, उपेंद्र यादव, रवि यादव, उमेश प्रजापति, सत्यम चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। अगस्त क्रांति दिवस है 9 अगस्त के दिन, और आज ही के दिन क्या कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और जिसके तहत हम लोगों ने आज भगत सिंह जी की प्रतिमा पे हाफिजपुर चौराहे पे आकर के साफ सफाई करवाया, और उसके बाद यहाँ पे माल्यार्पण करके भारत माता के जयकारे के साथ उन शहीद तमाम शहीदों को याद किया गया जो देश की आज़ादी में अपना बलिदान दे दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए, और युवाओं को एक संदेश देने का कार्य किया कि अगर शहीदों की जयंती होती है या उनकी पुण्यतिथि होती है तो आप उन शहीदों के लिए 2 मिनट का समय निकालें जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना प्राण त्याग कर दिया। शहर से सटे आहोपट्टी गांव के पूर्वी माता के स्थान पर सावन के अंतिम सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कहते हैं कलकत्ता में जिस प्रकार काली माँ स्थित है, उसी प्रकार आजमगढ़ में पूर्वी माता की मान्यता है। मान्यता ये है कि एक महिला की पुकार पर माता यहाँ प्रकट हुई थी और आताताई राजा से मुक्ति दिलाई थी। मंदिर के पास बरगद का जो वृक्ष है वो माता की शक्तियों का पुंज माना जाता है।
इस प्रसिद्ध मंदिर में जिले के घर घर से लोग दर्शन पूजन के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। इस पूजा को सालीना चढ़ाव पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष इसी प्रकार यहाँ श्रद्धा का हुजूम उमड़ा करता है। माता की दिव्य व शालीन प्रतिमा के दर्शन कर भक्त निहाल होते हैं। आस्था का ये हुजूम नास्तिक को भी आस्तिक बना देने वाला होता है। इतनी शालीन व अनुशासित भीड़ अन्यत्र दुर्लभ है, जिसे देखना ये मानना पड़ता है कि सृष्टि अभी भी आस्था से ही संचालित हो रही है। वहीं माता के भक्तों का कहना था कि माँ की महिमा अपरंपार है, उनकी नजरों में राजा भिखारी सभी एक तार है। स्थानीय भाषा में वोगड़ी की पूजा कहे जाने वाली इस पूजा पर उन्हें अपार विश्वास है। पूर्वी माता के दर्शन पूजन से ही उनके जीवन में कल्याण है। पूजा बोला जा रहा है, सबके घर मछली कलिया मुर्गा ना बन रहा, सादा खाना बनता है। एक विशेषता का है, मतलब कब से ही चला लावा? अरे बहुत जमाने से जी चली मिले, हमारे उम्र 87 साल चल गए पहले का है। अच्छा, हाँ। कैसे कैसे पूजा होला? भैया पूजा सबके चंदा लग जा रहा है, चंदा जब लग जा रहा है 50-50 रुपया, तब वही पैसा का प्रसाद आई, दूध आई, ये कुलाई चढ़ी भाई। पूजा मतलब पूरा मोहल्ला में घूम के होला? हाँ हाँ हाँ। कैसे? यहाँ मंदिर से उठल है, दलाल घाट घर है, दलाल घाट से गली 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 फिर पीने के बाद सब कोई जाए घर है, वहाँ माई जी हैं, वहाँ गोर धरी जय बोलिए प्रसाद लेके। सावनी गोंगड़ी पूजा होता है, साल में एक बार होता है, गांव का पूजा होता है, और ये पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और गांव के लोग बड़े दयालु हैं, सब जोर से पूजा करते हैं, और ये पूजा में बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मतलब पूरा पुनौन कोतवाली और आजमगढ़ जिला जानता है कि गोंगड़ी का पूजा कुंडमनी माई के स्थान पर एक नंबर का पूजा होता है, और यहाँ गौरी शंकर घाट के बलग में हम लोग रहते हैं, और पूजा तो एक नंबर का होती है, मतलब पूजा के विस्तार तो हम क्या बताएं, बाप दादे लोग हमारे पूर्वजों लोग करते आए हैं, और बाल बच्चे का सिद्धांत है कि मतलब हम लोग समझाएँ कि कुंडमनी माई बचाती हैं, उन्हीं के दयालु से हम लोग जीते आ रहे हैं, नहीं तो आज हम लोग रहते नहीं इस धरती पर, उनका दया है कि हम लोग उन्हीं के प्रभाव से चलते हैं, और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, और ध्यान में बहुत ज़्यादा उनके उत्वा प्रभाव करते हैं, माता रानी की कृपा है, और वही पूजा आज हम लोग करके आ रहे हैं। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा के विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कम्फर्ट सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद
पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडर गार्मेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय वन गेट थ्री, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गार्मेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़।